सब्सक्राइब कीजिए पॉलिटेक्निकल्स को और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्कार दोस्तों, पॉलिटेक्निकल्स पर आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि जैसे कि कोई अब अगर आप कोई एक वीएम में, जैसे वर्चुअल मशीन में या फिर कोई एक सर्वर में, फिजिकल मशीन में आप जब एक डिस्क ऐड करते हैं, नया डिस्क, जैसे कि मेरा मैं स्क्रीन पे देख रहे हैं एक सर्वर है। इस सर्वर में सपोज मैं एक नया डिस्क ऐड करता हूँ वीसेंटर से या फिर फिजिकल मशीन से, तो वो डायरेक्टली आपको शो नहीं करेगा कि उसके बाद उसको एक्सटेंड करें या फिर एलवीएम बनाए। तो आप कैसे करते हैं, वो कैसे आप उसको स्कैन कर पाएंगे, वो मैं दिखाऊंगा उसको आपको इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो ये मेरा सर्वर है, इस सर्वर में मेरा LSBL के आपको पता है, जो कि जितना भी आपका ब्लॉक डिस्क ऐड है, जितना भी डिस्क ऐड है आपको दिखाएगा और इसका क्या क्या पार्टीशन है LSBL के कमांड से, तो आप देख पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरा सिर्फ एक ही डिस्क ऐड है जो है SDA, ठीक है, उसका ही अलग अलग पार्टीशन बना हुआ है और बाकी कुछ डिस्क ऐड नहीं है यहाँ पे। तो मैं इस सर्वर में नया एक डिस्क ऐड करूँगा और मैं दिखाऊंगा डिस्क ऐड करने के बाद क्या होता है। तो मैं VMware वर्क स्टेशन पर जाता हूँ, मैं VMware वर्क स्टेशन यूज़ कर रहा हूँ, तो उसमें जाता हूँ, वहाँ पे राइट क्लिक करके इस सर्वर, ये जो सर्वर है, ये सर्वर जो है मेरा, यही सर्वर में मैंने लॉगिन किया हुआ है, तो इसमें मैं क्या करता हूँ, एक डिस्क ऐड करता हूँ। तो सेटिंग्स में जाके देखिए, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं आपको, अगर दिखाई दे रहा हो तो ये देखिए, वर्चुअल मशीन सेटिंग्स में जाके आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देते हैं, मेमोरी, प्रोसेसर, हार्ड डिस्क, आपको जो ऐड करना हो ऐड कर सकते हैं। तो अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं हार्ड डिस्क ऐड करूँगा, एक हार्ड डिस्क ऐड करता हूँ, इसका जी न्यू वर्चुअल डिस्क, सपोज उसका 5 GB में स्पेस देता हूँ। या आप मल्टीपल डिस्क भी रख सकते हैं, आप सिंगल डिस्क में भी होता है एक्चुअली। स्प्लिट करने से क्या होता है, स्प्लिट करने से आपका जो डिस्क का कंटेंट है वो अलग अलग जगह पे आपका स्प्लिट होता है, ऐसा ही कुछ, मैं श्योर नहीं हूँ उसके बारे में, श्योर हो कि आपके फिर से एक वीडियो बनाऊँगा VMware के ऊपर। फ़िलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करते हैं। और सिंगल डिस्क क्या होता है, एक जो आप डिस्क, जो 5 GB का डिस्क आप ऐड कर रहे हैं, वो एक पर्टिकुलर सिंगल डिस्क सेव होगा। मतलब आप अगर VMware का सेटिंग्स में जाके देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा, अब अगर सेटिंग्स में जाके देखेंगे आप, आपके पास क्या क्या डिस्क है, तो उसमें आपको जैसे कि ये देखिए सर्वर -4 VM डिस्क, अगर आप ब्राउज करेंगे यहाँ पे देखिए VM डिस्क बहुत सारे ऐड हुआ है यहाँ पे। तो आप उस तरीके से क्या कर सकते हैं, VM डिस्क ऐड कर सकते हैं आप, मतलब मैं जो बोलने वाला था, जैसे कि आप सिंगल डिस्क करेंगे तो ऐसे VMDK बोल के एक सिंगल डिस्क में आपका सेव होगा, और डिस्क अगर आप मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो मल्टीपल डिस्क में स्प्लिट होगा वो स्पेस, 5 GB जो है मल्टीपल 1 GB करके मल्टीपल डिस्क में स्प्लिट होगा। ओके ओके कर देता हूँ, डिस्क ऐड हो चुका है मेरा इस सर्वर में, ठीक है। अभी मैं टर्मिनल ओपन करता हूँ सर्वर का, अभी अगर मैं LSBL का करता हूँ तो आके देखिए यहाँ पे कोई 5 GB का कोई भी डिस्क ऐड नहीं हुआ है, यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि हमको उसके लिए स्कैन करना पड़ेगा, स्कैन करके डिस्क डिटेक्ट करेगा, उसके बाद आप उसमें आप मतलब जो भी LVM करें या फिर लिनक्स डिस्क जो भी आप क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको स्कैन करना पड़ेगा उसको। तो स्कैन करने के लिए जो कमांड है, वो कमांड आप ध्यान से देखिएगा, मैं कोशिश करता हूँ इसको थोड़ा बड़ा करने की। ठीक है छोड़िए, यहाँ पे ऑप्शन मुझे पुट्टी सेटिंग्स में जाना पड़ेगा, फिर जाके आपका वो करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, मैं दिखा देता हूँ आपको कमांड। कमांड जो है इको, फिर डबल कोट, उसके बाद डैश डैश डैश, मतलब माइनस 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 डबल कोट, ग्रेटर देन सिंबल,
उसके बाद आपको सिस क्लास और क्या डिस्क है, स्कजी डिस्क है, स्कजी होस्ट, उसके बाद आपका होस्ट नंबर। सपोज़ आपका डिस्क दो डिस्क या फिर तीन डिस्क ऐड है तो होस्ट 1 2 3 3 ऑप्शन होगा। सपोज़ मेरे यहाँ पे एक डिस्क ऐड है तो होस्ट 2, उसके बाद स्कैन। ठीक है, अभी एंटर करता हूँ मैं। तो उसने क्या किया, उसने स्कैन किया है कोई भी नया डिस्क ऐड हुआ कि नहीं। अभी आप पूछेंगे ये डैश 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 या फिर माइनस माइनस माइनस, वो भी स्पेस देके, माइनस स्पेस माइनस स्पेस माइनस, वो माइनस 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 क्या है? माइनस 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 है एक इस चैनल को स्कैन करता है, फिर स्कजी टारगेट को स्कैन करता है और फिर लर्न को स्कैन करता है। तीन चीज़ को स्कैन करता है वो। स्कैन करने के बाद तो रिज़ल्ट दिखाता है, मतलब कोई डिस्क ऐड हुआ कि नहीं वो चेक करता है। तभी मैं LSBL का अगर करूँगा तो अभी भी नहीं दिखा रहा है कोई डिस्क यहाँ पे ऐड हुआ है बोल के। तो मैं क्या करता हूँ, उसको होस्ट 3 में डाल के देखता हूँ। होस्ट 3 में भी नहीं दिखा रहा है। मैं फिर से चेक कर लेता, मैं सर्वर में डाला हूँ कि नहीं। हाँ जी हाँ, मैंने सर्वर पे ही डाला है, सर्वर 4। सर्वर 4 तो मैं डिस्क 4 में चेक करता हूँ, शायद डिस्क 4 में डिटेक्ट कर जाए। जनरली अगर आपके पास एक ही डिस्क है तो एक ही डिस्क में ऐड हो जाना चाहिए, मतलब स्कैन कर जाना चाहिए। 5 स्कैन करके देखता हूँ, ऐसे होना नहीं चाहिए था यूजुअली। यस, अभी देखिए होस्ट 5 पे वो स्कैन हो चुका है और 5 डिस्क दिखा रहा है, डिस्क 5। ठीक है, तो हमने क्या किया था, हमने देखिए अब अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 स्कैन किया है, 4 तक स्कैन किया है, कोई डिस्क दिखा नहीं रहा है। अल्टीमेटली 5 जब स्कैन किया तो एक 5 GB वाला डिस्क शो कर रहा है एक्स्ट्रा। पहले हम जो चेक कर रहे थे, देखिए यहाँ पे अप टू 3, उसके बाद 4 के बाद चेक नहीं किया, लेकिन 4 ऑलरेडी हमने चेक कर चुके थे पहले। अगर मैं आपको दिखाऊंगा स्टार्टिंग में मैंने होस्ट 4 डायल चेक कर चुका था, तब भी 5 GB वाला डिस्क नहीं दिखाया था। तो अभी क्या हुआ, 5 GB वाला डिस्क दिखाने लगा जब होस्ट 5 मैंने स्कैन किया। तो एक्चुअली रैंडमली वो होस्ट नंबर चेक करता है, तो इसीलिए थोड़ा दिक्कत होता है उसको आइडेंटिफाई करना कौन सा होस्ट ले रहा है। बट जनरली क्या होता है, आपका सिस्टम में अगर एक ही डिस्क है तो होस्ट 2 या होस्ट 3 में वो डिटेक्ट कर जाता है। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, अभी मुझको 5 GB वाला डिस्क दिख गया यहाँ पे। तो अभी मैं इसका जो पार्टीशन है वो बना सकता हूँ। तो पार्टीशन कैसे बनाते हैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, जो लोग देख चुके हैं उसके लिए थैंक यू, और जो लोग नहीं दिखे तो डिस्क्रिप्शन में जाके मेरा वीडियो देख लीजिए जिसमें मैंने कैसे पार्टीशन क्रिएट करते हैं, उसमें बताया है, मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है कैसे PV क्रिएट करते हैं, कैसे VG क्रिएट करते हैं, कैसे LV क्रिएट करते हैं, कैसे उसको एक्सटेंड करते हैं। सब डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे वीडियोस है, उसका लिंक है, आप उसमें जाके चेक कर सकते हैं पूरा कंप्लीट LVM का वीडियोस। तो इस वीडियो में मैं नहीं दिखाऊंगा कैसे डिस्क ऐड फॉर्मेट करते हैं, डिस्क क्रिएट करते हैं, वो मैं नहीं दिखाऊंगा इस वीडियो में। सिर्फ मैं यही दिखाने वाला था कि कैसे आप एक वर्चुअल मशीन में डिस्क ऐड करेंगे। नॉट ओनली वर्चुअल मशीन, आप अगर इफ़ यू ऐड डिस्क ऑन फिजिकल मशीन ऑल्सो, देन हाउ यू डिटेक्ट द मीन्स डिस्क, कैसे आप डिटेक्ट कर सकते हैं उसमें, और कैसे आप उसमें डिटेक्ट करके उसको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं, जैसे कि फॉर्मेट करके या फिर आपका वॉल्यूम ग्रुप क्रिएट करके उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, इस वीडियो में मैंने यही दिखाया कि कैसे आप नया सा जो लर्न, आप लर्न भी इससे स्कैन कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। जो आप स्टोरेज का लर्न होता है, जो स्टोरेज से आप कोई नया डिस्क ऐड करते हैं, जो लर्न ऐड होता है वो भी सेम प्रोसीजर से स्कैन होता है, तो उसी हिसाब से आप स्कैन कर सकते हैं लर्न भी। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मेरा वीडियो अगर पसंद आया आपको तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे लोगों को ये वीडियो, ये नॉलेज मिलता रहे।
और जैसे कि मैंने बताया आपको, नेक्स्ट वीक से मैं क्या करूँगा कि मैं स्क्रिप्टिंग का वीडियो स्टार्ट करूँगा, 1, 2, 3, 4 करके बहुत सारा स्क्रिप्टिंग का वीडियोस मैं अपलोड करूँगा एक एक करके जब भी मुझे टाइम मिले। तो स्टे ट्यून इन माई चैनल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। मेरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।